हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और बात करते हैं अमृतपाल की। अमृतपाल जिसको हर कोई ढूंढ रहा है, पुलिस ढूंढ रही है, उसके पोस्टर जो है जगह जगह जारी किए गए हैं, यहां तक कि नेपाल बॉर्डर तक पर उसके पोस्टर लगा दिए गए और पंजाब की सीमा से जुड़े भी जितने रस्ते हैं, चाहे वो हरियाणा की तरफ जाते हो चाहे कहीं से निकलते हो, हर तरफ जो है सघन चेकिंग की जा रही है और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। खबर ये भी आ रही है को सरेंडर कर सकता है, सरेंडर करने की अपनी बात अलग सामने आ रही है। पुलिस की कोशिश है कि दबिश देकर उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसके जो सहयोगी है, उसको जो मदद कर रहे हैं, उनको जो है पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस को अभी तक किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में वारिस पंजाब दे के वारिस कहे जाने वाले और अपने आप को खालिस्तान का समर्थक बताने वाले अमृतपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो बताया जा रहा है कि यूपी में शूट हुआ है और एक यूट्यूब चैनल पर डाला गया, हालांकि यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है और उसमें क्या कुछ उसने कहा है वो आपको बताएं। अगर आप देखें अमृतपाल की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वो सरेआम घूम रहा है, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं है। कार में घूमता दिखाई देगा, बाइक पर घूमता दिखाई देगा, जुगाड़ पर घूमता दिखाई दिया, एनर्जी ड्रिंक पीता हुआ दिखाई दिया पप्पनप्रीत सिंह के साथ, और वीडियो उसने जारी कर दिया। और वीडियो में उसने एक बात और बोली, उसने बोला कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता यानी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता यानी कि उसके पीछे कोई बैकअप है, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं है, उसको लगता है कि कोई भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसने ये सब बातें कही हैं। अब आप समझिए कि ये किस उसमें उसने कही है बातें अमृतपाल ने। अमृतपाल ने कहा है कि उसने श्री अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार हैं उनसे उसने मांग की है कि सरबत खालसा बुलाया जाए, सरबत खालसा बुलाया जाए। अमृतपाल ने यह भी कहा है कि सरबत खालसा में देश विदेश की सिख संगत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सिख कौम से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करे। लेकिन ये आप मान के चलिए जो खुद ही मारा मारा फिर रहा है, पुलिस से भागता हुआ फिर रहा है, जिसको डर है, जिसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है इसीलिए वो भाग रहा है और इसीलिए जो है वो छुपता फिर रहा है, अपने भेष बदल रहा है, कहीं चश्मा लगाकर घूमता है, कहीं मुंह छुपाकर घूमता है, कहीं पगड़ी पहने घूमता है, कहीं बिना पगड़ी के घूमता है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कितना जो है गलत कर रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस से भागता फिर रहा है, वो कौम के लिए क्या अच्छा काम करेगा। हालांकि अगर बात करें अमृतपाल को ढूंढने की, जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि अमृतपाल को ढूंढा जाए, उस तक पहुंचा जाए, और अमृतपाल जिस तरीके से पूरे अपने खालिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जाए। हालांकि ये जो वीडियो सामने आया है उसके यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच खबर तो ये भी निकल कर आई है कि वो कहीं ना कहीं पंजाब में ही छिपा हो सकता है, पंजाब में छिपा हो सकता है, इसलिए उसको पकड़ने की कोशिश भी जो है वहाँ पर ज़्यादा की जा रही है। और पंजाब के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है, हरियाणा से लगते जितने बॉर्डर है, क्योंकि पहले खबर ये भी आई थी कि वो हरियाणा दिल्ली की तरफ भी भाग सकता है, तो हरियाणा बॉर्डर की तरफ भी जो है वो पूरी जो है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहाँ से निकलने वाले आने जाने वाले हर एक रास्ते को जो है वो नाकाबंदी लगा करके चेक किया जा रहा है। तो अमृतपाल को पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, देखना होगा ये खालिस्तानी समर्थक कब हाथ आता है पुलिस की और क्या कुछ जानकारी मिल पाती है, कौन इसके पीछे है जिसके बल पर ये इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर, इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।